नमस्कार दोस्तों, आई एम भोपाल के फुर्सत के पल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हम आज बहुत ही खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। खास इसलिए कि उन्होंने शायद अपना जो एक्टिंग करियर है थोड़ा लेट स्टार्ट किया, पहले शायद जॉब की और फैमिली में शायद इतना उनको सपोर्ट या कहें परमिशन नहीं थी, लेकिन जब उन्हें स्टार्ट किया तो न केवल हिंदी सिनेमा, मराठी सिनेमा, टेलीविज़न, थिएटर और बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर में आप उन्हें देख चुके हैं जब हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी मराठी टीवी थिएटर फिल्म की जानी मानी अभिनेत्री शुभांगी लटकर जी की। इन दिनों वो भोपाल में हैं और भोपाल में एच शंकर साहब की जो एक बहुचर्चित फिल्म है जिसमें कमल हसन अहम किरदार निभा रहे हैं, इंडियन 2 में आप अहम किरदार निभा रही हैं और इस वक्त हमारे साथ वो भोपाल में है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई एक्टिंग की और कैसे वो अलग अलग कैरेक्टर उन्होंने, चाहे वो फिल्म की बात करें डेली बेली हो, लफंगे परिंदे हो, या आशिकी 2 हो, बॉडीगार्ड हो, बहुत सारी फिल्मों में आपने उनको अलग अलग किरदार में देखा, सिंघम रिटर्न में देखा और अब एक इंडियन 2 में जो एक बहुचर्चित फिल्म है कमल हसन की जो 1992 में आई थी उसी का भोपाल में एक्शन सीक्वेंस शूट हो रहा है जिसमें आपके साथ में अखिलेश मिश्रा और तमाम कलाकार हैं। तो हमारे साथ शुभांगी जी, हम उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शुभांगी जी आपका आई एम भोपाल के इस प्रोग्राम फुर्सत के पल। सबसे पहले तो बताइए कि चूंकि आप महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, एक मराठी फैमिली को, तो कैसे ये जर्नी शुरू हुई, एक्टिंग कैसे शुरू हुई, फैमिली में किसी को शौक था, या थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। मेरे पिताजी टीचर थे जी और हमारे घर में सारे पढ़ाई लिखाई जैसे ऑल महाराष्ट्रियंस गिव इम्पोर्टेंस टू स्टडी। तो मेरे घर में सारे बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार, ब्रिलियंट लोग हैं। मैं अकेली थोड़ी सी थी कि मुझे बहुत इसमें भी रुचि थी, मतलब पढ़ाई तो करती थी, आई एम डबल ग्रेजुएट, लेकिन मुझे हमेशा से ही रुचि रही एक्टिंग में। लेकिन घर से इतना सपोर्ट नहीं था क्योंकि कभी उन्होंने हमारे खानदान में किसी ने दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन शादी के बाद मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। आई वॉज सेंट्रल गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय, ITDC में नौकरी करती थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी और मुझे फिक्स जॉब थी तो उन्होंने मुझे दी थी परमिशन कि आप करो, हमारे लिए भी एक गुरूर की बात है। तो मैंने इस तरह से थिएटर करना शुरू किया, मराठी थिएटर। किन के साथ शुरू? मैंने शुरू में हमारा एक ग्रुप था छोटा सा जो हम वन एक्ट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते थे और मुझे हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलता था एक्टिंग का। फिर मुझे अच्छा लगा कि नहीं, मुझे शायद इसमें हो सकता है। तो फिर मैंने NCPA का थिएटर किया, वामन केंद्रे जी ने मुझे फर्स्ट थिएटर में स्टेज पे जो मैं आई वो वामन केंद्रे जी के साथ, अभी वो NSDP के डायरेक्टर। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे मतलब शॉर्ट फिल्म्स नहीं, तब के ज़माने में एपिसोडिक हुआ करते थे, तो नौकरी भी करती थी, बच्चे भी थे, फिर एपिसोडिक किया करती थी। हाँ जी। लेकिन मुझे फर्स्ट मराठी सीरियल में बड़ा ब्रेक मिला, लेकिन उससे भी पहले मराठी सीरियल में ब्रेक मिला और मैंने नौकरी छोड़ दी जी। और जब मैंने शुरू किया स्ट्रगल तब मुझे लोगों ने बहुत कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी परमानेंट जॉब छोड़ के आप इसमें जा रहे हो, जा रहे हो, प्रेडिक्ट नहीं करते कि क्या होगा और किस उम्र में, मतलब थोड़ा लेट। तो लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था और माय हस्बैंड इज वेल सेटल्ड, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, मरने के पहले ऐसा ना लगे कि भाई मैंने कुछ नहीं किया जिंदगी में। तो आई जंप्ड इनटू दैट प्रोफेशन। फिर मैंने मुझे शुरुआत मेरी मॉडलिंग से हुई। हाँ जी। मैंने बहुत सारे विज्ञापन किए। हाँ जी। और विज्ञापन आज भी वो बरकरार है कि मैं करती रहती हूँ। अभी पिछले महीने मैंने 3 विज्ञापन किए, उसमें से 2 साउथ के थे। तो 100 के ऊपर तो ऑलमोस्ट हुए होंगे। उसके बाद मेरी वेब सीरीज है एक ऑल्ट बालाजी की, बारिश नाम की, उसका भी अभी 2nd सीजन आ रहा है। हाँ जी। तो शॉर्ट फिल्म्स है कुछ जो फिल्म फेयर की विनर है, जैसे रात गई बात गई है, लॉस्ट एंड हाउंड है और 1-2 शॉर्ट फिल्म्स है, वो अभी आई नहीं लेकिन बहुत जल्दी आएगी और बहुत अच्छी फिल्में हैं। तो मुझे लगता है कि मैं हर जगह वेब सीरीज हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, एड फिल्म्स हो, सीरियल्स तो करती रहती हूँ। और अभी मेरी एक शुभारंभ नाम की सीरियल आ रही है कलर्स पे, उसके विज्ञापन आना शुरू हो गया, उसका मतलब प्रोमोज आ रहे हैं
और उसमें मैं रानी जो मेन लीड है उसकी माँ का रोल प्ले कर रही हूँ. वो 18 नवंबर से ऑन एयर होगा कलर्स पे. तो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. एंड वेयर आई एम प्लेइंग वेरी गरीब माँ, तो वो एक है फिलहाल का प्रोजेक्ट. और ये बारिश 2 अभी जो आ रही है, ओल्ड बालाजी की, उसका सेकंड सीजन आ रहा है तो उसका भी शूटिंग शुरू हो जाएगा. फिर इंडियन भी है ही. हाँ जी. इसके अलावा एक दो मराठी फिल्में, एक दो हिंदी फिल्में हैं. तो जब आगे जाएगी बात तो जैसे आपने बताया कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की, ITDC में आप करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, अच्छी खासी सैलरी थी. संजीव जी हस्बैंड आपके मीडिया में अच्छी पोजीशन पे थे, बेटा हो चुका था. जब ये डिसीजन लिया तो किस तरह का रिएक्शन आया, मतलब फैमिली फ्रेंड्स, और किस तरीके से फिर आपने बैलेंस किया स्पेशली? नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि एक्टिंग का ही था मुझे, जो बचपन से मेरा सपना था. तो मदर इन-लॉ ने फिर आपको पहचाना कैसे, रिकॉग्नाइज किया कैसे, बात नहीं उनको एक मैंने मुझे याद है मैंने आकाश छेद नाम की एक सीरियल की थी मराठी, जिसमें मैं इंस्पेक्टर थी. okay. और मेरे मदर इन लॉ के फादर जो है वो इसी मतलब इंस्पेक्टर रहे. हाँ जी. तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ. वो बोली कि, और वाकई मेरा रोल उसमें बहुत अच्छा हाँ था कि वो मुस्लिम इंस्पेक्टर है लेकिन देश के लिए बहुत. बिफोर योर मैरिज यू डन दिस? नो नो, आई हैव नथिंग, आई हैव डन इनटू द एक्टिंग बिफोर मैरिज. ओके. ओनली आफ्टर मैरिज. तो बस उसी से उनको लगा कि नहीं ये बहुत. और मेरे फादर इन लॉ भी मतलब ही यूज्ड टू स्टे इन डोंबिवली, आई स्टे इन विले पार्ले. बट एवरी मॉर्निंग जब मेरे सीरियल्स आते थे मराठी में, तो जैसे सीरियल खत्म होती थी मेरे फादर इन लॉ का फोन आता था, शुभांगी ये सीन तुमने इतना अच्छा किया, ही वाज वेरी सपोर्टिव. और ये अगर ये ऐसा टर्न लेगा ना तो ये सीरियल बहुत चलेगी, देखना बहुत लंबी चलेगी, और तुम्हारा सीन बहुत अच्छा था. उनका यही हमेशा एक मोटिवेशन मिलता था, बहुत मिलता है. तो ही वाज रियली, जैसे आपने बताया कि स्टेज पे पहला ब्रेक वामन केंद्रे सर ने दिया, ही इज अ रेनाउंड थिएटर डायरेक्टर और एनएसडी के. तो उसके बाद हिंदी फिल्म, जैसे टीवी में तो आपने बहुत सारा काम किया, अलग अलग किरदार निभाए, आप घर घर में पहचानी जाती हैं, लेकिन फिल्मों में अगर कहें कि एक ब्रेक आपने शुरुआत कौन सी फिल्म, हिंदी फिल्म? उनके पास मैंने सबसे पहले मेरी मॉडलिंग की जो शुरुआत की, मैंने उन्हीं के पास. अच्छा, उन्हीं के पास, उनके पास मैंने कैडबरी नेस्ले की फर्स्ट एड, शायद उनकी भी पहली एड थी. ओके. क्योंकि ही जस्ट स्टार्टेड हिज करियर की शुरुआत थी, और मैंने नौकरी छोड़ी थी शुरू शुरू में और मुझे वो एड मिल गई. तो फिर उनके पास मैंने 3-4 एड, उसमें से एक HSBC की एड बहुत हिट रही. हाँ जी. उसके बाद मेरा एड का सिलसिला जारी रहा जो आज तक कायम है. लेकिन उन्होंने मुझे दिल्ली वैली के लिए बुलाया था, तब उनको चाहिए था ओवर द टॉप एक्टिंग, विच आई डिड, आई थिंक आई हैव डन फैंटास्टिक जॉब. सो फिर उन्होंने मुझे दिल्ली वैली में बुलाया. इट वॉज सुपर्ब कैरेक्टर. तो वो एक हीरोइन की माँ है उसमें, लेकिन उसकी बेटी ने शादी के पहले ही मतलब उसके शादीशुदा रिलेशन रहे हैं, और फिर हमें वो सेट पे समझ मतलब शादी के मंडप में समझ में आता है, एक बंदा आता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर मेरा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम खुलता हो कभी नहीं हो, दूर हो जा, दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर थी. सो इट वाज सुपर. और फिर हमारा एक गाना भी है जो फराह खान ने डायरेक्ट किया, और फराह खान ने सब इतना प्राउड था गाने में, लेकिन फिर उन्होंने पूछा ये लौरत को में, और फिर माइक ने कहा शुभांगी यू आर फैंटास्टिक, इट वाज रियली गुड. इतना बड़ा इतने बड़े मतलब इतना मॉब और इतने सब डांस कर रहे हैं, उसमें से मुझे कोई समझा के मैं स्टेप्स ले रही हूँ और फराह खान मुझे माइक पे बोल रही है, तो इट वाज रियली नाइस. फिर मुझे अभिनय देव ने अभी फोर्स 2 के लिए भी कास्ट किया था. फोर्स 2 में पूरी फिल्म जो जॉन अब्राहम की है, तो उसमें एक ही सीन है जो बहुत इमोशनल है, बहुत टची है, बाकी सब मारधाड़ एक्शन एक्शन मूवी है. हाँ जी. लेकिन इसमें ताहिर की माँ बनी हूँ मैं, और ताहिर मेरे जो हस्बैंड है वो रॉ के एजेंट रहते हैं, लेकिन फिर इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूज करता है क्योंकि वो मर चुके हैं वहाँ पे. हाँ जी. और रिफ्यूज करता है और उनको टेररिस्ट घोषित करता है.
फिर हमें बहुत बुरा लगता है, मैं अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर देती हूँ, तो वो ताहिर प्रेशर होता है, ताहिर फिर रॉ के सारे एजेंट्स को मारने लगता है। तो दैट वाज द सेंटर कैरेक्टर जो व्हाई द हीरो कम्स बिकम्स विलन काइंड ऑफ थिंग। बहुत सारे जैसे अगर कैरेक्टर की बात करें तो बहुत सारे आपने अलग अलग कैरेक्टर निभाए हैं, अलग अलग शेड्स में, गेटअप में, एक किरदार के रूप में, कलाकार के रूप में आप ढाल लेते हैं, क्योंकि अब इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया। दो फिल्में जो बहुत ही सुपर हिट हुई और शायद से गाने आज भी रोज कहीं ना कहीं बजते हैं, एक आशिकी 2 और एक सिंघम रिटर्न, उसका बताइए उसमें और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें क्या कैरेक्टर था? सिंघम रिटर्न में करीना की माँ थी। खैर सिंघम रिटर्न में इतना मुझे मतलब बस करीना कपूर स्वर्ग से नहीं टपके, बीच में माँ बाप है इसके लिए हम लोग थे। लेकिन हाँ आशिकी 2 में मुझे बहुत अच्छे कुछ सीन मेरे हिस्से आए थे और मुझे लगता है कि आई डिजर्व सम गुड सीन्स इन बॉलीवुड, तो देखते हैं कैसे होता है। इसमें भी मेरा अच्छा रोल है इंडियन में। इंडियन में क्या कैरेक्टर अगर आप शेयर कर सकते हैं, क्या निभा? मैं कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा किरदार है, बहुत इमोशनल सीन्स है। एक करप्ट मिनिस्टर की बीवी हूँ और मतलब भुगतती है जब हस्बैंड के बेहाल होते हुए देखकर, तो वैसा वाला कुछ। भोपाल में पहली बार आपकी शूटिंग हो रही है, भोपाल से पहले भी आई? नहीं, मैं पहले भी आई हूँ, मेरी एक फिल्म थी BA Pass 2। बी ए पास 1 भी हिट रही, बी ए पास 2 भी बहुत हिट रही, आज भी नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हो। तो उस सिलसिले में मैं भोपाल आई थी और वो सारा जो फिल्मी बॉक्स नाम का तो वो भोपाल से ही है, तो यहाँ पे है मेरे कनेक्शंस। तो इसलिए भोपाल आपको चलिए। हाँ, मैं ये थर्ड टाइम आ रही हूँ। थर्ड टाइम मुझे ये बताइए कि आपके जो करियर ग्राफ है, आप इतना काम कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन आप बहुत चूजी हैं फिल्मों को लेकर और कैरेक्टर हर बार आप अलग, क्या कारण है? कम फिल्में क्यों करती शुभांगी जी? ऐसे नहीं है, कम फिल्में, हिंदी अगर फिल्म मिल जाए तो बस वो बी ग्रेड की फिल्में नहीं करना चाहती, जो ये है अच्छे कैरेक्टर निभाना चाहती हूँ। और अभी मुझे लगता है कि मुझे अच्छे ही कैरेक्टर करने चाहिए, क्योंकि जितनी भी जिंदगी बची है मेरी, तो अगर मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे जाने के बाद भी याद रखें, तो आई हैव टू बी चूज़िंग। थिएटर के लिए कैसे समय निकाल लेती हैं आप? थिएटर में भी एक्टिंग? फिलहाल तो मैं थिएटर नहीं कर रही हूँ। मेरा जो लास्ट था शुगर फ्री गर्ल्स नाम का हिंदी प्ले था, जो अभी 6 महीने पहले ही खत्म हुआ, तो उसके बाद मैंने नहीं किया है। थिएटर के लिए क्या है, अभी वो लोग भी जानते हैं कि हम लोग बहुत बिजी है, तो आधा दिन भी दो तो चलता है रिहर्सल के लिए, फिर अपने आप 8-10 दिन। आजकल हिंदी थिएटर का ऐसा है कि कोई भी जो जाने माने एक्टर्स है वो अपना पर डे छोड़ के नहीं जाते, तो हम रिहर्सल के लिए भी प्रोडक्शन हाउस को हमें पेमेंट करना पड़ता है। ओके। तो उनको भी मतलब वो चाहते हैं कि आप अगर हमसे प्रोफेशनल एक्सपेक्ट करते हो, हाँ, तो आप भी प्रोफेशनली, तो मतलब आधा दिन आप पूरे शूट का आधा बीच ब्रेक करके रिहर्सल का, तो उसका पे करना पड़ता है, उसका वो कट ऑफ जो आपको मिलता होगा। और दूसरी बात वो चाहते हैं कि हम पूरा याद करके ही आए। पहले कैसे होता था कि एक एक महीना, दो दो महीने रिहर्सल चलती थी, चल रहा है, कर रहा है, कर रहा है, 2 महीने के बाद जब कॉन्फिडेंस आता है ग्रुप को, तब जाके, हाँ तब जाके सेट लगता है, आगे जाके बात चलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हिंदी थिएटर इज वेरी प्रोफेशनल, दे पे यू फॉर द रिहर्सल ऑल्सो, सो दे एक्सपेक्ट यू टू बी परफेक्ट ऑन रिहर्सल। तो वो बात बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारा भी टाइम कम जाता है। और फिर जब हम लोग मतलब स्टेज पे जाते हो तो उसका तो है ही, मतलब जो पेमेंट के रूप में जो आता है वो अलग बात है, लेकिन हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है इंटरेक्शन ऑडियंस के, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या डिफरेंस आप देखती हैं शुभांगी जी, क्योंकि आप इतना लंबा, आपने टीवी भी किया, फिल्म भी कर रही हैं, थिएटर भी किया, तो खासकर टीवी और फिल्म में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? एक्टिंग दोनों में है, दोनों में क्या? थिएटर तो डेफिनेटली वो क्या होता है, वहाँ पे डायरेक्टर कट बोल सकता है, यहाँ पे डायरेक्टर कट नहीं बोलता, तो पूरा स्टेज हमारा होता है, तो हम लोग जो करें वो कायदा, बट रीटेक का नहीं चांस, रीटेक के कोई चांस नहीं है। तो जब मतलब अगर किसी ने गलती की भी हो तो खत्म होने के बाद ही पता चलता है कि अरे यार हमने ये किया था वो किया था,
लेकिन तब तक हम कैरेक्टर में रहते हैं, तो यू कैन रियली यू नो बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हो, क्योंकि जो भी दो घंटे का कैरेक्टर है आई एम इन टू द कैरेक्टर, तो वो छोड़ते नहीं है हम लोग, वो पकड़ के रखते हैं, तो वो उसी हिसाब से हम लोग बिहेव करते हैं, तो बड़ा मजा आता है, तो लोग भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है कि। और टीवी और फिल्म में क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों मीडियम में? डेली सोप और फिल्म? डेली सोप में क्या होता है, डेली सोप मुझे हमेशा ही लगा कि डेली सोप चैलेंजिंग है, क्योंकि देखो मैं कहीं से भी आती हूँ रोज उसी कैरेक्टर में ढलना है मुझे, और कुछ भी कर रही हूँ तो भी मतलब, और डेली सोप में मैं वही हूँ लेकिन मेरे डायरेक्टर बदल जाते हैं, मेरे राइटर्स बदल जाते हैं, मेरे क्वार्टर्स बदल जाते हैं, तो मुझे याद रखना है कि मेरा कैरेक्टर क्या है। तो अगर राइटर ने कुछ अलग भी लिखा, समझो 6 महीने के बाद राइटर्स बदल गए, उन्होंने लिखा, तो मैं कहती हूँ कि यार मेरी ये जुबान है ही नहीं, मेरा कैरेक्टर ये ऐसे बोलेगा ही नहीं, या फिर ऐसे ही बोलेगा, या फिर ऐसे ही जाएगा, तो आई टेल देम कि यार ये लाइन है तो मैं इसका मीनिंग सेम रख के मैं अपने जो मेरा कैरेक्टर है उस हिसाब में बोलती हूँ, तो आई हैव टू कीप इन माइंड, तो वो मुझे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, याद रखना पड़ता है, मुझे तो है ही यार, असिस्टेंट मुझे तो है ही यार, लेकिन वो हाँ वो है कि और एवरी डे यू आर प्लेइंग द सेम कैरेक्टर, तो स्पेस भी काफी होता है फिल्म में, शायद स्पेस वो एक आपका जो कैरेक्टर है, हाँ वो बंधा हुआ है, बिल्कुल वो बंधा हुआ है, लेकिन उसमें बहुत मजा आता है, फिल्म में इससे ज्यादा मजा इसलिए है कि फुर्सत से काम करते हैं, बहुत फुर्सत होती है, तो अभी समझो अभी मैं एक सीन कर रही हूँ 6 दिन, तो इसमें तो मतलब अगर मैं टीवी कर रही हूँ तो 6 दिन में कम से कम 22 एपिसोड 22 सीन मैंने किए होते तो ये फर्क है, तो मुझे बहुत काम करने को मिलता है, और कमल जी को देखना एट दिस एज ही इज वर्किंग सो हार्ड, मतलब एक तो दो तीन घंटे लगते हैं उसके बाद वो करेक्ट टाइम पे, मतलब आधा घंटा हमें लंच को मिलता है तो उनको भी लंच को आधा ही घंटा मिलता है, आधे घंटे के बाद वो स्टेज से ऊपर आते हैं स्टेज पे और गपशप लगाए, और जैसे उनको पता चलता मेरा सीन है तो ही नेवर लुक एनीवेयर, बस वो अपना ये बोलते रहते याद करते रहते हैं, पूरा याद करके ही हार्डली गिव्स एनी रिटेक एट दिस एज, ग्रेट, सो इट इज लाइक बहुत, मतलब मुझे लगता है कि जो नए लोग आते हैं उनको भी सीखना चाहिए, हम लोगों को भी सीखना चाहिए उनसे कितना, मतलब इतनी एक मुकाम तक पहुंचने के बाद ये बंदा रिटेक नहीं देता, इतना डेडिकेटेड है, इतना डेडिकेटेड है। तो अभी कुछ कम्युनिकेशन हुआ ड्यूरिंग द सेट या बैठे हुए हैं कभी सीन, क्योंकि आपके भी सीन साथ में नहीं हुआ, थोड़ा सा इंटरेक्शन जिसमें मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड को बख्श दो, उनको ये करो, उसके बाद वो कुछ है उनके काफी डायलॉग, तो बिहाइंड द सीन मतलब कहें कि कैम ऑन ऑफ कैमरा अभी तक तो नहीं हुई मुलाकात, जैसे एक आपने बड़ी अच्छी चीज बोली शायद जो आपके इस प्रोग्राम को दुनिया भर में देख रहे हैं उनके लिए सीखने के लिए होगा एक्टिंग के, कि आप इतना करने के बाद बोल रहे हैं मैं सीख रही हूँ, वो डेडिकेटेड है, इतने बड़े स्टार होने के बाद कहाँ से जर्नी शुरू की थी, साउथ फिर एक दूजे के लिए सदमा जैसी फिल्में करने, रूपम और तमाम, तो आज इस एज में और क्या आपने सीखा अभी सेट पे, क्योंकि जो चीजें आपने ऑब्जर्व की एज एन एक्टर वो शायद नई जनरेशन के लिए बहुत बेनिफिट, और मुझे लगता है कि वो मतलब जैसे हम लोग लंच के बाद आते हैं तो हम तो ठूस के आते हैं 6 बजे से काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है हाय का मतलब ये, और वो बंदा बिल्कुल एक यॉनिंग नहीं उनकी, सारे लोग मैं देखती हूँ कि दोपहर में मतलब ऐसे हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं, लगता है कि अभी उनको मौका मिले तो 5 मिनट की नींद तो ले ही लेंगे, लेकिन ही इज ऑन द सेट वेरी अलर्ट, और ऑब्वियसली वो खाने पीने का ख्याल रखते हैं, हमें भी रखना चाहिए एक्चुअली जो हम नहीं रखते लेकिन सच में एक डेडिकेटेड एक्टर कैसे होता है, तो मैं सोचती हूँ कि यार इनके जैसा स्टैमिना रखना है तो वाकई हमें हमारा फूड के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, आज मैंने ये बहुत देखा कि मतलब इतना चुस्त आफ्टर इतने चुस्त फिट एंड हाँ आफ्टर टेकिंग लंच,
तो मुझे लगा कि यार मुझे भी कट डाउन करना चाहिए, तो आज से मैंने सोचा है कि नहीं अभी मैंने जो खाया है उससे ज्यादा खाऊंगी। हाँ, थोड़ी फिटनेस और योनी। हाँ, एक आपने शुभांगी की बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि आप खुद बड़ी बड़ी फिल्में कर चुकी हैं, तमाम बड़े कलाकारों के साथ आज कमल हसन जी इंडियन टू शूट कर रही हैं। कमल जी ने कुछ दिनों पहले कहा कि शायद ये उनकी लास्ट फिल्म होगी एज एन एक्टर, वो प्रोड्यूस करते रहेंगे क्योंकि अब वो डेडिकेशन अपनी पार्टी जो है पॉलिटिकल उसमें ज्यादा, तो आई थिंक ये शायद हम कहें कि एक रेयर मूवी होगी ये। हाँ, हिस्टोरिकल के भी तो क्या कहना है कि दोबारा, क्योंकि उनके फैंस तो दुनिया भर में विश कर रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं कि नहीं आप कंटिन्यू रखिए, बिकॉज ऐसा इसमें रिटायरमेंट नहीं था। आपने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी, कमल हसन जी आज काम कर रहे हैं, लेकिन कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा रिकॉल होती है बार बार उनकी देख के, हिंदी फिल्म? अप्पू राजा थी बहुत अच्छी, फिर दशावतार थी, सदमा। और मुझे मतलब मैं कमल हसन जी से जुड़ी हूँ वो एक दूजे के लिए, तब मैं कॉलेज में थी, शुरू का दौर था और हम लोग इतने पागल थे कमल हसन के, तो मैं अभी उनको देखती हूँ तो मुझे वही चेहरा याद आता है कमल हसन का। चलिए अगर बात करें, अभी तो चूंकि शूटिंग आप कर रहे हैं, टाइम कट टू कट सीन चल रहा है, कभी ऑफ स्क्रीन जब बैठेंगे और कभी बात होगी तो क्या पहला आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो उनको बोल दिया कि भाई मैं तो एक दो चीज, मतलब मैंने एज एन एक्टर तो मैंने ये फिल्में मायने रखती है मेरे लिए, लेकिन दिल के करीब है एक दो चीज के लिए, क्योंकि हमने मतलब मैं SIS कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, SIS इज साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, जो बहुत स्टूडियस लोगों का मुंबई में कॉलेज माना जाता है, साइन में है वो, और साउथ इंडियन स्टूडेंट्स बहुत है, तो एक दूजे के लिए आने के बाद हम लोग तब 10वीं 11वीं में थे, तो एक दूजे के आने के बाद सारी महाराष्ट्रीयन लड़कियां साउथ इंडियन लड़कों के पीछे थी। हाँ, मतलब एक ट्रेन चल गया था, साउथ इंडियन, तो बड़ा मजा आता था, मतलब ये जो कम्युनिकेशन जो लव की लैंग्वेज है, लव की उसमें जरूरी नहीं कि लैंग्वेज और आपको बार-बार बैरियर, तो वो एक ट्रेन चला था, तो मतलब मुझे याद है हम लोग कितने पागल थे, हम बने तुम बने दोजे रतियन रतियन माइलस्टोन, और वो लव स्टोरी उस टाइम बड़ी पॉपुलर भी हुई थी। बहुत पॉपुलर थी उस वक्त। तो चलिए, आई होप कि जैसे आप उनके साथ फिल्म कर रहे हैं और उनके जो फैंस हैं, जो शायद कमल जी तक उनकी बात पहुंचे और शायद वो कंटिन्यू रखे एक्टिंग को, अभी रिटायरमेंट ना ले, मुझे ये बताइए कि फैमिली में और कौन कौन है आपके, क्या हस्बैंड और आपके बच्चे? मेरा बेटा है जो खुद भी आर्ट फिल्म का डायरेक्टर है, अभी उसकी बहुत सारी आर्ट फिल्में आ रही है, जैसे अभी टाटा टियागो ऑन एयर, मतलब टीवी पे भी दिखती है। तो मम्मी को डायरेक्ट किए अभी कास्ट किए? वो एक्चुअली वो अमेरिका से सीख कर आया है, वो UCLA में था, उसने मीडिया ट्रेनिंग और फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन सीखा है, और 2 साल पहले आया, और उसने कम से कम 30-35 फिल्में एड फिल्म बनाई है, वो भी रमेश देव प्रोडक्शन, मतलब RDP अभिनय देव से ही सीख कर बाहर निकला है, तो ही इज वेरी गुड डायरेक्टर, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला, तो फर्स्ट टाइम मैंने उस अभी मतलब यहाँ आने के पहले आठ दिन भी नहीं, मैंने उसके साथ एक फिल्म की है जी। और लेंडा जो स्विच बोर्ड है उसकी एड उसने की जी। तो उसने मतलब हमेशा बोलता था कि मम्मी आपके साथ काम करना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे तो था ही, मेरा तो सपना था, ड्रीम कि मैं बेटा डायरेक्ट करे और मैं काम करूं, तो मुझे मौका मिला बहुत इंतजार के बाद तो अच्छा लगा मुझे। बेटे का नाम असीम लाडकर, असीम लाडकर। और संजीव जी आपके हस्बैंड मोटिवेशनल स्पीकर है, मीडिया बड़ी पर्सनालिटी। हां जी, तो चलते चलते हम चाहेंगे कि चूंकि आपको आपके फैंस तो पूरे दुनिया भर में, मेरी और एक बेटी भी है। अरे वाह, वो क्या कर रही है? वो यशोदा लाडकर, शी इज फोटोग्राफर। ओके। और वो अभी उसकी शादी हुई मई में, और वो अमेरिका चली गई, उसके हस्बैंड अमेरिका से, उसका नाम पार्थ नगरकर है, और अभी अमेरिका में सेटल हो। पूरी फैमिली क्रिएटिव है मेरे को लगता है। हां जी, फोटोग्राफर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और संजीव जी लिखते भी हैं। शी इज वेरी गुड फोटोग्राफर। उसका भी IPL जो अपने हुए थे वो इंडिया में थी, तो सारी उसकी शूट जो आपने फोटोग्राफ देखे, होर्डिंग्स सारे क्रिकेट
क्रिकेटर्स के, तो वो सारे उसके फोटोग्राफ्स है, उसको रिलायंस का पर्सनल हवाई जहाज कोलकाता और सारी मेन मेन और उसने शाहिद कपूर के लिए नाइकी का शूट किया, बहुत अच्छे अच्छे कर रही थी जी। लेकिन अभी वहाँ जाके वो वापस शुरू करेगी, अभी वापस उसको वहाँ का सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, तो पढ़ाई वापस उसने शुरू की है, तो वो भी चल रहा है उसका। एक चूंकि ये एक बड़ा टफ क्वेश्चन है मेरे पूछने के लिए, आपके जवाब देने के लिए टफ, इसलिए कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ का कोई एक फेवरेट रोल जो आप निभाना चाहती हैं, बेस्ट तो हर दिन एक चैलेंज होता है, आप हर दिन अपना बेस्ट ही देते हैं, लेकिन मैं कोई कैरेक्टर जो कभी आप सोचती कि ऐसा कोई कैरेक्टर आपको कभी ऑफर हो, कोई ऐसा कैरेक्टर जो एक्ट्रेस कर चुकी है कोई अपनी इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की। ग्रैंडमदर नाम की एक फिल्म आई थी शबाना आजमी की, हाँ जी, तो वैसा कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, शी वाज सुपर। और एक है फिल्म, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ग्रैंडमदर मेरे लिए एक ऐसा रोल है जो ड्रीम रोल है, अगर मुझे हिंदी फिल्मों में अगर ऐसा रोल मिल जाए तो जो इतना मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा काम करने के बाद इतनी सहज हैं, शायद वही उन्होंने अभी अपने को स्टार या हम कहें कि इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता कमल हसन जी से जो उन्होंने ऑब्जर्व किया एज एन को स्टार, उन्होंने शेयर किया, तो हम भी दुआ करते हैं कि शुभांगी जी इसी तरीके से अलग अलग किरदार में लोगों को एंटरटेन करती रहें और कलर्स पे बहुत जल्दी फिर वो नज़र आने वाली हैं, जो रोज आप अपने डेली शॉप पे वो कब शुभारंभ जो सीरियल है उसमें आप नजर आए, कब से होने? 18 नवंबर से, जी हाँ, मेरा जन्मदिन है 17 नवंबर, उसके नेक्स्ट डे 18 नवंबर को ये शो शुरू हो रहा है, जरूर देखिए। और इंडियन 2 जिसकी शूटिंग भोपाल में चल रही है, और खासकर दुनिया भर में क्यूरियोसिटी है कि जो एक्शन सीक्वेंस शूट हो रहे हैं, और पीटर हैंग जो दुनिया के जाने माने एक्शन डायरेक्टर हैं साउथ और गजनी और ना जाने नेशनल अवार्ड विनर हैं, वो एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं, तो शुभांगी जी के साथ अखिलेन मिश्रा है जिन्हें आपने शायद अगर हम कहें तो सभी किरदार को याद रखते हैं, यक्कू क्रूर सिंह जो उन्होंने निभाया था चंद्रकांता में, और भी तमाम कलाकार हैं, काजल जो आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे, तो आई होप जिस तरीके से ये फिल्म कमल हसन जी की और जिस तरह बड़े डायरेक्टर हैं शंकर जी और शुभांगी तमाम कलाकार काम कर रहे हैं, ये फिल्म सक्सेसफुल होगी, हम सब आई एम भोपाल की तरफ से उनको हम शुभकामनाएं देते हैं, और आई एम भोपाल के फुर्सत के कार्यक्रम में अगली शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के नमस्कार।